हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जस्ट। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ना बहुत ध्यान से समझो क्योंकि इस पे बेस करके इसके ऊपर आप लोगों का क्लास 11 12 पूरा निर्भर करता है। एंड आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन एवरीवेयर करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत ढंग से समझो, बहुत ढंग से देखो। ठीक है, और इसमें अगर बेस पकड़ मतलब इसका बेस अगर पकड़ में आ गया ना, तो आप लोगों को देखोगे कि फिजिक्स बहुत प्यार करने वाली सब्जेक्ट है, बहुत प्यार करने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, आप ऐसे पकड़ के चलो कि इंजीनियरिंग का पूरा ब्रांच होता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो आता है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर है। तो एक 4 साल की इंजीनियरिंग की कोर्स होती है भाई इसके, पूरा का पूरा जो इसका मैकेनिज्म है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कोई छोटा मोटा चैप्टर है नहीं, बट इसके ऊपर अगर कॉन्क्रीट आइडिया अभी से बन जाए ना, तो हायर क्लास में भी आपका सुविधा होगा। एंड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो आज हम लोग शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो इससे पहले एक मिनट भाई, ये टेक्निकल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देख लूँ। हाँ ठीक है, चलो। तो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो जिससे आप हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही हो, बट थोड़ा सा और उसको ब्रशअप कर देता हूँ ताकि भूल ना जाओ बाद में, है ना। चलो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी जस्ट एकेडमी, फेसबुक पेज है, लाइक करके रखना इसको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, इसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स आते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसको ज्वाइन करके रखो। 1-to-1 या फिर कोई भी मतलब टॉपिक्स रिलेटेड हो या फिर कोई और इश्यूज हो जो आपको पूछना है हम लोगों से, तो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग ज्वाइन करके रखो और कोई भी सवाल आप लोग पूछ सकते हो रिलेटेड टू स्टडी। ठीक है, अब ऐसा सवाल मत पूछ लेना भाई कि मेरे गर्लफ्रेंड भाग गई है सर मैं क्या करूँ, है ना, ऐसा सवाल मत पूछ लेना। जो भी सवाल पूछना है रिलेटेड टू स्टडी, ठीक है। एंड टू नो मोर आपको लॉग इन करना है www.studyjust.in पर। ठीक है, ये हम लोग का प्ले स्टोर में ऐप है, आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इसको, कभी भी जाओ डाउनलोड करो, देखो वहाँ पे फ्री में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत क्वालिटी टीचर्स के वीडियो हैं वहाँ पर, आप लोग उसको देखो, ब्राउज करो, उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके पास, तो उसको जाओ देखो एंड अगर अच्छे लगे तो कोई भी कोर्स बाय करो आपके हिसाब से, कस्टमाइज वे में हर एक कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चाहे वो कंपिटेटिव के लिए है या फिर आप एकेडमिक्स के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह का तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको हर एक मतलब कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कोर्स, कस्टमाइज कोर्स आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो चलो आज शुरू करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग शुरू करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करने से पहले ना भाई, मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखो, पहले ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना, ये वो फलाना ठिकाना, इस सब में पढ़ने वाला हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कोई मतलब ऐसे आपको पढ़ाने वाला हूँ नहीं कि आपको बस आ जाओ बैठ जाओ बोरिंग सा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसे कराना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे मतलब ऐसा है ना कि फिजिक्स को देखो, फिजिक्स कोई दर्शन शास्त्र तो है नहीं ना, फिजिक्स को आपको समझना है। ठीक है, फिजिक्स समाज शास्त्र है, ठीक है, समाज शास्त्र है। देखो मेरा हिंदी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा भाई, तो उसको थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो भी मेरे वीडियोस पहले देखे हैं उसको पता है उन सबों को, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि इसमें ज्यादा कुछ मतलब कोऑपरेट कर लेना मेरे से थोड़ा बहुत। ठीक है, तो फिजिक्स ना समझने की बात है, फिजिक्स को अगर आप समझ जाओगे ना तो देखना इससे बेहतरीन सब्जेक्ट आपको पास कुछ है ही नहीं, है ना, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो आज हम लोग शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आऊंगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज, व्हाट इज चार्ज, हम लोग पहले आएंगे व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। ठीक है, चलो चार्ज को शुरू करते हैं। चार्ज को शुरू करने से पहले कुछ चीजें यहां पर मैं बोलना चाहता हूं आपको। देखो, ये एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। ठीक है, इसकी मास M1 है और इसकी मास M2 है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोगों ने ऑलरेडी अपने मतलब पिछले क्लास में पढ़ा है एंड आप लोगों को पता भी है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स क्या होता है मेरे भाई, वो फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, F equals to G M1 M2 upon
आर स्क्वायर, ठीक है। या आर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, इसे हम आर से डिनोट किए हैं। तो ये फोर्स से एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और तरह का फोर्स, मैं अगर आपको बोलूं कि एक और तरह का फोर्स है जो इन दोनों बॉडी को अट्रैक्ट करने में मदद करता है या इन दोनों बॉडी में चलता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसके पीछे एक और बॉडी, इसके पीछे एक और फोर्स है। ये तो फोर्स मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको कि एक और फोर्स है जो इन दोनों को अट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है। वो फोर्स क्या है, देखो जरा वो फोर्स क्या है, मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिकल फोर्स। उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिकल फोर्स। कैसे काम करता है देखो, कैसे काम करता है देखो, ये जी जैसा है क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू वन क्या है, ये क्यू वन इस बॉडी की चार्ज है, ठीक है, ये क्यू टू इस बॉडी की चार्ज है। जैसे ना उस बॉडी का मास m2 है, इस बॉडी का मास m1 है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स F m1 m2 into r square, ये उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की मतलब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के जरिए ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। डिपेंड्स कि उसकी बॉडी की चार्ज क्या है, उसकी बॉडी की चार्ज क्या है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इस बॉडी की चार्ज क्यू वन है, इस बॉडी की चार्ज क्यू टू है, तो एफ इक्वल्स टू जी क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इस फोर्स से एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है चार्ज, ये चार्ज है एम वन का क्यू वन एंड एम टू का क्यू टू, ठीक है। मोटे मोटे तौर से क्यू वन क्यू टू ये दोनों बॉडी का चार्ज है, इतना समझ के रखो। एंड ये चार्ज क्या है, मैं थोड़ा बहुत और डिटेल्स में बताता हूं। देखो जरा चार्ज होता क्या है, मान लो ये एक एटम है, मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये है एटम की न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड ये हो गई भाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है बाहरी कक्षा में घूमता रहता है, आउटर सेल में घूमता रहता है, ठीक है। अब वो घूमता क्यों रहता है, इसके पीछे भी कोई कारण है, ऐसा तो नहीं है ना कि उसे शौक है भाई कि, या फिर पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा घटने वाली है तो ये इसलिए वो घूम रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। उसके पीछे भी कोई रीजन है, वो ऐसे नहीं मूव करता रहता है, ठीक है। ये आप लोग केमिस्ट्री में बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में घूमता रहता है, क्या उसका रीजन है, क्या फलाना, ठीक है ना, ये सारा कुछ केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, जयदीप सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। एंड मैं इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि चार्ज होता कैसे है। देखो ये मान लो कि ये एक एटम है, ये आउटर सेल में उसके इलेक्ट्रॉन घूम रही है। क्यों घूम रही है, क्योंकि ना हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो अपने स्टेबल पोजीशन पर आ जाए। स्टेबल पोजीशन मतलब 2, 8, 16 ऐसा है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में। तो हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो अपने स्टेबल पोजीशन पर आ जाए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी मतलब कोई भी एटम है उसके आउटर सेल में, अगर मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 5, 6 और 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अनस्टेबल पोजीशन पर है। ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि मुझे कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मैं स्टेबल बन जाऊं, समझे मेरे बात। मान लो कि कोई भी कोई भी एटम है उसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बट उसे वैलेंसी मतलब ये यही है ना, वैलेंसी, वैलेंसी मतलब क्या है कि उसे स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से डिपार्ट कर सकता है ताकि उसे स्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। तो इसी तरह से देखो कि कोई भी अगर एटम उसके आउटर सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने स्टेबिलिटी अचीव करने में, ठीक है, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो बात यह है ना कि उसे एक, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से, या फिर अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। आप बताओ मेरे भाई, अगर आपको दिल्ली जाना है, आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, तो आप किससे जाना पसंद करोगे, फ्लाइट से या ट्रेन से? ऑब्वियसली बात है कि आप फ्लाइट से जाना पसंद करोगे, क्योंकि आपके पास आपका टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, ठीक है। तो उसी तरह से उसको 7 इलेक्ट्रॉन अपने से डिपार्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की खपत करना होगा उसको। एंड इन द सेम केस कि उसे अगर वो अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है तो बहुत कम एनर्जी लॉस किए हुए उसको वो क्या अपना स्टेबिलिटी को अटेन कर सकता है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा एंड वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। सेम उसी तरह से इसको देख के चलो कि ये एक न्यूक्लियस है एंड ये उसकी बाहर की कक्षा है। ये मान लो कि 1, 2 करके ये टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर सेल में है, तो वो क्या 9 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फिर से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या उसको आउटर सेल में 8 कंप्लीट या 16 कंप्लीट करने के लिए? नहीं ना, वो अपने से एक को डिपार्ट करने में ज्यादा मतलब फुर्ती दिखाएगा कि नहीं मुझे दे देना है किसी को, ठीक है। तो वो ढूंढेगा कि कैसे मैं किसी को एक
इलेक्ट्रॉन अपना दे दूं। देखो जहां भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जहां भी वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक हो या दो हो या चार हो, कोई भी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बैलेंस ही नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं बस बता रहा हूं कि चार्ज होता कैसे है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब उसे बैलेंस, उसे स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, एक मिनट है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, अगर वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने से दे रहा है किसी को, दैट मींस इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मींस इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। गॉट इट? इट इज द बेसिक पॉइंट। मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि कोई भी बॉडी अगर वो अपने से किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मींस उसके पास क्या है भाई, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई भी बॉडी अगर अपने से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मींस इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ठीक है। एंड दिस बॉडी इज कॉल्ड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इन द सेम वे अगर कोई बॉडी अपने से मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले रहा है, तो वहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है, एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। दिस इज नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्या होता है पता चला आप लोगों को? बॉडी की मास अगर m1 है, किसी की बॉडी की मास अगर m2 है, उसमें अगर फोर्स जैसे लग रहा था वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स F = gm1m2/r², इन द सेम वे यहां पर लग रहा है कैसे कि q1 q2, m1 की चार्ज है q1, m2 की चार्ज है q2, उसकी उसके ऊपर लग रहा है फोर्स क्या है F = gq1q2/r², ठीक है। यही जो फोर्स है ना, यही है चार्ज, यही है चार्ज, ठीक है। इसको आपको चार्ज कहना है। एंड ये चार्ज उस बॉडी पे कैसे डिपेंड करेगा, क्या क्या होगा, इसके ऊपर अभी विस्तार से इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दिया यहां पे। देखो चार्ज इज समथिंग दैट इज पोजेस बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर इट टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। जो मैंने बताया वही है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है मेरे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज? वो चीज है सर जिस फोर्स से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इलेक्ट्रिकली खींच रहा है या अपने ऊपर लग रहा चार्ज वो शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हम इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर इसकी दर को हम लोग देख लें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर रेट ऑफ कहीं भी दिख रहा है ना आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ दोज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट, ये चीज अगर कहीं पे आपको दिख रहा है तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब ही ये है। मैं नया स्लाइड पे चला जाता हूं, एक्सक्यूज मी। रेट ऑफ फ्लो का मतलब ही ये है कि आपको नीचे टी है, ठीक है, दर, आपको दर निकालना है ना, तो नीचे टी आता है। तो यही अगर मैं इसे क्यू से डिपेंड, जो मैं वहां पे डिनोट कर रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था आपको, देखा आप, ये मैंने किया था ना यहाँ पे, इस बॉडी का m1, इस बॉडी का m2, ये चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इसका q2, इसका q1, जो डिनोट कर रहा था मैं उसी को यहाँ पे ले रहा हूं मैं, कि क्यू से अगर कोई भी इस चार्ज के फ्लो को अगर हम देखें ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस चार्ज, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, समझ गया मेरे बात। This is the flow of electric charge is called electric current. Rate of flow of the charge is electric current. ठीक है, समझ में आई बात? क्या है electric current और क्या है charge? Charge वो है जो एक body में उसकी flow of electron को denote करने के लिए हम लोग use करते हैं, ठीक है। उसमें किस तरह से electron, किस रफ्तार से electron flow कर रहा है, and उसी को हम लोग क्या कहते हैं? Electric charge. एंड उसी चार्ज को, उसी चार्ज के दर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो अब इसके यूनिट को देखते हैं। ये क्यू को हम लोग, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, एक मिनट, कूलम्ब से, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं कूलम्ब कैपिटल सी से। एंड ये जो आई है यहां पर, इसे कैसे डिनोट करोगे बताओ? ये कूलम्ब, टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं? सेकेंड, दैट इज कूलम्ब सेकेंड इनवर्स। और इसको एक बहुत अच्छा नाम दिया है हम लोगों ने, उसका नाम क्या है? एम्पियर, ठीक है,
इसे हम लोग बहुत अच्छा नाम दिए हैं, जिसका नाम है क्या, एम्पियर। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर से मैंने क्या बताया भाई, उसको समझो जरा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ दोस इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस फोर्स से मैंने बताया था आपको कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उसी तरह से एक एटम में भी देखोगे तो उस तरह से वैलेंसी में, मतलब उसको देना है लेना है, इलेक्ट्रॉन उसको लेना है या फिर देना है, इस तरह से चार्ज को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और कुछ मोटे मोटे तौर से अगर हम कहें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं कूलम से, एंड इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, एम्पियर से। ठीक है, कूलम पर सेकंड को हम कैसे डिनोट करते हैं, एम्पियर से। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच की डिफरेंस। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सर इतना तो सर आपने बता दिया कि चार्ज भी दो तरह का होता है, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, ये वो फलाना, ठीक है ना। अब मुझे ये बता दो कि स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच के डिफरेंस क्या है, ये स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। देखो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक तरह से ऐसे समझ के रखो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पर है, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो है सर जो इलेक्ट्रिसिटी इज इन मोशन। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इज इन मोशन, दैट इज द करंट, और करंट इज इन मोशन को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और करंट इन रेस्ट को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, करंट इन रेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड करंट इन मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सर बताओ मुझे कि आपने बता तो दिया कि एक रेस्ट होता तो स्टैटिक होता, एंड मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बट इसको समझे कैसे, बहुत बहुत उमदा सवाल है ये, इसको समझोगे कैसे। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक का स्केल लेते हो ना, प्लास्टिक का स्केल, उसे या फिर कंघी या फिर आपका विंटर सीजन में आपका स्वेटर्स जैकेट जो होते हैं, उलन जो होते हैं, क्या करते हो उसको, क्या करते हैं उसको कि आप लोगों ने देखा है कि उस कंघी को या फिर उस स्केल को, प्लास्टिक की स्केल को माथा में रगड़ते हो ना, ऐसे अगर रगड़ोगे, ऐसे रब करोगे उसको, एंड देन अगर किसी कागज के ऊपर लेके जाते हो तो वो उसे अट्रैक्ट करते हो ना, कागज उठ के उसके ऊपर आने की कोशिश करता है। ये क्या होता है, क्यों होता है ये, आपके सर में क्या इलेक्ट्रिक दौड़ रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है ना, आपके सर में इलेक्ट्रिक है क्या, नहीं है, क्यों हो रहा है ये। अब आप इस तरह से भी देखे होंगे कि वही स्केल अगर प्लास्टिक की जगह पे अगर आप स्टील का स्केल ले लेते हो एंड उसे ऐसे ऐसे करके घस रहे हो, चाहे कितना भी घस लो भाई, उसे कागज के सामने ले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। तो वो प्लास्टिक के सेल में आपका, आपके सर से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, इसके सर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रहा है, क्या है कारण, क्या है। देखो कारण ऐसा नहीं है, मेनली बात यह है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पॉइंट को समझे आप। देखो इलेक्ट्रॉन एटम्स तो सब में है, एटम से हम भी बने हैं, आप भी बने हो, ये लैपटॉप भी बना है एटम से, ठीक है, तो एटम तो सब में है, अगर एटम है तो उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ है, बट क्या है ना, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते हैं, और जहां पर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा मतलब क्या है कि चार्ज भी फ्लो कर रहा है मेरे भाई, दैट मींस चार्ज इज इन मोशन, दैट इज द करंट इज इन मोशन, यही तो मैं बता रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब द फ्लो ऑफ द करंट, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी और द चार्ज और इज इन मोशन, चार्ज इज इन मोशन मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है भाई। और अगर मैं स्टैटिक की बात करूं ना, तो स्टैटिक में क्या है, चार्ज तो वहां पर भी है, ऐसे आप घस रहे हो यहाँ पे, रगड़ रहे हो आपको आप अपने सर पे उसको, तो क्या है इसकी बॉडी में भी, ये भी एक स्केल अगर है, ये मान लो कि ये एक स्केल है, इसमें इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ है, इसको आप घस रहे हो अपने सर से, आप भी अटम के ही बने हुए हो, एंड इसे इसे आप घसोगे तो जैसे मैंने वहां पे बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्ट मतलब जो एफ एम वन एम टू जी एम वन एम टू अपन आर्स का जो ग्रेविटेशन के लिए लग रहा था, वैसे यहाँ पे भी फोर्स जनरेट हो रहा है, अगर फोर्स जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर आ रहे हैं, बट ये तो रबर का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसमें क्या है ना, ये इसमें इलेक्ट्रॉन तो है बट ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करने दे रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है तो चार्ज चलेगा नहीं, तो चार्ज रेस्ट में है,
क्योंकि चार्ज रेस्ट में है इसीलिए ये केंद्रित हो रहा है चार्ज यहाँ पर, आप कागज के सामने लेके जा रहे हो तो वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो बात, ये उसे अट्रैक्ट कर रहा है। बट वही बात अगर मैं स्टील की स्केल की करूं तो वहां पर क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जहां चार्ज पैदा हो रहा है, मतलब चार्ज जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उसी वक्त चार्ज फ्लो भी कर रहा है। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो कहीं पर तो स्थिर है नहीं वो, अब कागज के सामने जितना भी लेके जाओ वो उसे पकड़ेगा नहीं, यही तो डिफरेंस है। इसी डिफरेंस से आप स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, मोटे मोटे तौर से एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो है सर जहां पे इलेक्ट्रिक करंट रेस्ट पर है, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वो है सर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इज इन मोशन। कैसे हमने हमें कैसे हमारे को पता चला, ये पता चला हम लोगों को कुछ इस तरह से सर कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा है मोशन में, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो चार्ज कहीं पर केंद्रित नहीं है, दैट इज चार्ज फ्लो कर रहा है, इसलिए स्टेल का स्केल को मैं कितना भी सर पर घसता चलूं वो कागज को पकड़ेगा नहीं। एंड उसी वक्त अगर मैं प्लास्टिक को पकड़ के चलूं तो वहां पर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो एक मोशन में नहीं फ्लो कर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब कंजर्वड है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, अगर वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा तो किसी एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा, एंड वो केंद्रित होकर वो कागज अब जब लेके जाओगे उसके सामने तो उसे अट्रैक्ट करेगा। अच्छा आप लोगों ने ये चीज देखा क्या कि उसे जब आप अट्रैक्ट करने जाते हो तो क्या वो ऐसे चिपक के रह जाता है क्या, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जिस वक्त इसका बनाया हुआ चार्ज मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स जिस वक्त खत्म हो जाएगी उस वक्त ये कागज को छोड़ देगा, ठीक है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ भी, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो पता चला स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच का डिफरेंस, यही है बेसिक डिफरेंस, और चार्ज जो मैंने बताया आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ दोस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लगाए गए हैं, लिखे गए हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसे डिनोट करते हैं हम आई से, क्यू है चार्ज और टी क्या है, टी है टाइम, ठीक है, टी है टाइम। ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो कूलम पर सेकंड, और इसे हम अच्छे भाषा में, अच्छे लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। हालांकि कूलम पर सेकंड भी फिजिक्स का ही लैंग्वेज है, बट क्या है ना कि हम लोगों को ना बहुत मतलब एक नाम देना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसीलिए हमने नाम दे दिया एम्पियर, ठीक है, और कोई बात नहीं है। आप कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो या फिर इसे एम्पियर लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं ये डायग्राम पर, ये डायग्राम क्या है, देखो अब समझना तो है कि इलेक्ट्रिक करंट सर बता तो दिया आपने कि इलेक्ट्रिक करंट ये है वो है फलाना ठिकाना, अब मुझे सर ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होती है या वेक्टर होती है, क्या होती है बताओ, आप बताओ, आप बताओ, कमेंट करो बताओ। देखो यहां पर मान लो कि कोई भी करंट आ रहा है 3 एम्पियर का, ठीक है, और यहां से करंट आ रहा है 4 एम्पियर का, और ये I1 है, ये I2 है, और ये दोनों यहां पे मिल रहा है, एंड देन यहां पे एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है I3, मुझे I3 की वैल्यू बताओ यहां पर, और सेम इसी तरह से यहां पर भी 4 एम्पियर की करंट आ रही है और यहां से 3 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है, ये दोनों यहां पर मतलब नोड पर मिल रहे हैं, एंड देन यहां से I3 जनरेट हो रहा है, मुझे I3 की वैल्यू बताओ दोनों जगह पर, क्या है I3 की वैल्यू बताओ। देखो यहां से 4 एम्पियर की करंट आ रही है यहां पर, और यहां से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, दैट मींस मुझे टोटल कितना मिल रहा है, 4 + 3, दैट इज टोटल इक्वल्स टू 7 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर यहां से आ रहे थे, वहां से 3 एम्पियर आ गए, मेरे पास टोटल करंट जो जनरेट हो रहे हैं वो 7 एम्पियर की करंट जनरेट हो रहे हैं। बट वही अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे यहां से 4 एम्पियर की करंट आ रही थी I1, ये I2, 4 एम्पियर की करंट आ रही थी यहां से यहां तक, मुझे 4 एम्पियर तक करंट मिला था, बट यहां से जो नोड्स है ये नोड से 3 एम्पियर की करंट बाहर निकल रही है। अगर 3 एम्पियर की करंट बाहर निकल रही है तो मेरे पास कितना करंट बच जाएगा, 4 - 3, दैट इज 1 एम्पियर, और दिस इज इक्वल टू I3। तो भाई यहां पर I3 की वैल्यू 7 एम्पियर है, यहां पर I3 की वैल्यू 1 एम्पियर है, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी और द फ्लो ऑफ करंट और करंट इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, क्या यही कह सकते हो ना आप,
यहां से 4 एम्पियर आ रहा था, वहां 3 एम्पियर आ रहा था, मिल रहा था तो मुझे प्रोड्यूस हो रहा था 7 एम्पियर। बट यही मैं अगर इसको यहां पे देखूं तो 4 एम्पियर की मुझे यहां से मिल रही है, 3 एम्पियर वापस जा रहा है, तो मुझे रिजल्टेंट कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर। दैट मींस फ्लो ऑफ करंट इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, और कोई भी वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अरे यार हाँ ठीक है चलो, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हम इलेक्ट्रिक चार्ज को वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं? सर प्रूफ तो कर ही दिया, कह दो क्या है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? देखो बात यहां पर एक्चुअली ये है कि इसका वेक्टर होने के लिए सिर्फ यही दो कारण, मतलब जरूरी नहीं है कि बस यही दो कारण से आप वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी फैक्टर को, कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हो, इस तरह से नहीं है ये। ठीक है, इसको कहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सर, कि एक 4 एम्पियर की करंट आ रही है, 3 एम्पियर की करंट जा रही है, ये सब फलाना ठिकाना ये सब को बाद में देखो। वेक्टर क्वांटिटी कहने के लिए जैसे वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। इसे अगर 90 डिग्री पकड़ के चलो आप, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या देता है हमें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि ये जो रिजल्टेंट है ये 4² + 3² होना अनिवार्य है। ठीक है, 4² + 3² होना अनिवार्य है। 4² + 3 वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यही कहता है आपको, अंडर रूट 4² + 3² होना अनिवार्य है। अगर 4 + 3 को देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 + 9 दैट इज अंडर रूट 25 दैट इज 5। बट आंसर क्या आ रहा है, कहीं पर 7 आ रहा है, कहीं पर 1 आ रहा है। दैट मींस ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर तुम फॉलो नहीं करोगे मेरे भाई तो तुम्हें पाप लगेगी, आप वेक्टर नहीं कह सकते उसे। ठीक है, उसे वेक्टर नहीं कह सकते हो। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसे हम कहते हैं टेंसर। ठीक है, अब हायर क्लास में पढ़ोगे इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टेंसर कहते हैं। बट क्वेश्चंस में हो सकता है, देखो आप स्टडी जस्ट के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको ना और 3-4 बंदों से ज्यादा जानने की जरूरत है। ठीक है, और ज्यादा जानने की जरूरत है, तो इसे हम टेंसर कहते हैं। टेंसर को आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इसे हम टेंसर कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर रहा है, सॉरी मैग्नीट्यूड तो डिपेंड करेगा ही, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड तो कर रहा है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वो टेंसर है, वो वेक्टर नहीं है। ठीक है, वो टेंसर है, वो वेक्टर नहीं है। बट क्वेश्चन में क्या होगा ना, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ये टेंसर शायद ना दे, आपको ये दे सकता है स्केलर। ठीक है, तो इन दैट केस आप इसे स्केलर लिख के आ जाओगे, आपका आपको आंसर का मार्क्स फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, आप स्केलर लिख सकते हो उसको, बट बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक्चुअली टेंसर यूनिट है। ठीक है, इसे हम टेंसर यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है नहीं है फलाना ठिकाना, रेजिस्टेंस पे आते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पे आते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, देखो रेजिस्टेंस ऐसा यहां पे लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। अच्छा मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस अच्छा है कि बुरा है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बताओ मुझे रेजिस्टेंस अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, चलो अच्छा अगर है तो क्यों है अच्छा, रेजिस्टेंस होता क्यों है, आप मुझे बताओ पहले कि रेजिस्टेंस आता क्यों है। देखो आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में आपकी गाड़ी चल रही है एंड बीच में आपको बम्पर दिख जाता है, क्यों देते हैं वो बम्पर? ऐसा नहीं है भाई, बम्पर इसलिए नहीं देता कि आप जोर से ब्रेक मारो और पीछे कोई बैठा हुआ है। गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर वक्त उस तरह के मत सोचो, ठीक है, गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बैठा हुआ है वो मतलब आपको ब्रेक लगाने के लिए दिया है। क्यों ब्रेक लगाते हो वहां पर? ब्रेक इसलिए लगाते हो क्योंकि वो एक्सीडेंट प्रोन जोन हो सकते हैं, या फिर सामने स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, जनरली उसी जगह पर, आजकल तो देखो यार गांव देहात में देखोगे तो कोई भी मतलब अगर पंचायत का प्रधान होता है ना गांव में, तो उसके साथ जो घूमने वाला होता है उसके भी घर के सामने 2 बम्पर्स होते हैं। ठीक है, गांव देहात की बात अगर मैं करूं तो ऐसे ही होते हैं वहां पर। बट एक्चुअली बम्पर की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये इसलिए आया था क्यों, जो एक्सीडेंट प्रोन जोन होते हैं वहां पर आप गाड़ी धीरे चलाओ, या फिर सामने स्कूल है, कॉलेज है, कोई मंदिर मस्जिद है, तो उसके सामने आप गाड़ी धीरे चलाओ, क्योंकि वहां पे मतलब क्या है ना, वहां पे क्यों बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना से बचने के लिए बम्पर्स की, यही है बम्पर देने की रीजन, मेन रीजन यही है बम्पर देने का। तो अगर बम्पर देने की रीजन वो है तो वो अच्छा है कि खराब है?
जाहिर सी बात अच्छा है, तो रेजिस्टेंस भी उसी तरह से है, ठीक है। रेजिस्टेंस हम अच्छे के लिए, क्योंकि बनाया हम ही ने है, ये इलेक्ट्रिसिटी अपने आप से नहीं जनरेट किया है, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शंस, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, तो इसे हम क्या कहते हैं। देखो ये मान लो एक करंट की मतलब वायर है, इससे करंट जा रहा है और बीच में हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, इसे इस तरह से हम रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से मेनली हम रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, करंट यहां से जा रहा है एंड ये रेजिस्टेंस यहां से इस तरह से फ्लो होते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस फ्लो होता है इस तरह से, रेजिस्टेंस के ऊपर से अगर करंट जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, मतलब वहां पे क्या होगा, करंट की फ्लो की जो दर है वो थोड़ा सा धीरे हो जाएगा, देन फिर वो अपने रफ्तार पकड़ेगा, क्या करेगा नहीं करेगा वो बाद में आएंगे, बट बेसिकली वहां पे रेजिस्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि वोल्टेज को ड्रॉप करना होता है, ठीक है। ये बेसिकली हम अपने सुविधा के लिए करते हैं, आप लोग धीरे धीरे देखोगे कि इसकी सुविधा क्या है, हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, एमीटर यूज करेंगे, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि इसकी जरूरत क्यों आनी पड़ी थी, क्यों क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज रेस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को दिखाते हैं या रेजिस्टेंस को काम में लाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है, इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। चलो आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, टुडेज लास्ट टॉपिक पर, ओम्स लॉ। देखो मैं पॉइंट पे नहीं जाने वाला हूं, ये है डेफिनेशन, वो है फलाना ठिकाना, मैं डेफिनेशन पे बाद में आऊंगा कि डेफिनेशन क्या है, क्या कहते हैं डेफिनेशन, उसमें बाद में आएंगे। पहले तो इतना समझ के रखो सर, पहले तो इतना समझ के रखो कि हम लोग देसी लैंग्वेज में ओम्स लॉ को समझते हैं, ओम्स चाचा क्या कह के गए थे उसको हम लोग देसी तौर से देखते हैं, ठीक है। चलो कैसे देखेंगे, देखो मान लो एक बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, एक बॉडी यहां पर और है, तीन केसेस लेके चलो, तीन केसेस लेके चलो, ये केस वन, ये केस टू, ये केस थ्री, एक बॉडी यहां पर है 100 डिग्री सेल्सियस में, तीनों केस में मैंने रखा, दूसरी बॉडी मैंने यहां पर रखा, ये है 10 डिग्री सेल्सियस में, ये है जी 60 डिग्री सेल्सियस और ये है मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको क्या पता है, आप लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मुझे अगर प्रोड्यूस और जनरेशन ऑफ हीट, मतलब कैसे हीट ट्रांसफर होता है उसको अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे ये कैसे दिखेगा, डेल्टा टी, ये इक्वल टू नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं मैं, करंट फ्लो, हीट फ्लो की दर को हम लोग कैसे देखते थे, इस तरह से देखते थे, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस जहां पे जितना ज्यादा होगा वहां पर फ्लो भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पर हीट की फ्लो भी उतनी ज्यादा होगी, ऐसे हम लोगों ने देखा था वहां पर, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस है 90 डिग्री सेल्सियस का, यहां पर डिफरेंस क्या है 40 डिग्री सेल्सियस का, यहां पर डिफरेंस कितना है 0 डिग्री सेल्सियस का। अगर यहां पर डिफरेंस 90 डिग्री का है, यहां पर 40 डिग्री का है, तो सबसे ज्यादा फ्लो कहां पर होगा, सबसे ज्यादा फ्लो कहां पर होगा, यहां पर होगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से, डेल्टी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैक्सिमम मुझे यहां पर दिखेगा, यहां पर मुझे मीडियम दिखेगा एंड यहां पर मुझे मिनिमम दिखेगा, ठीक है। बस इसी को ओम्स चाचा ने क्या किया था, करंट के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, इसी को ओम्स चाचा ने क्या किया था, करंट के ऊपर डिस्कस किया था, करंट के ऊपर उसने उन्होंने कैसे दिया था इसको, देखो इसको समझो, कोई भी बॉडी हायर पोटेंशियल से, जैसे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, ठीक उसी तरह से, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, देखता हूं मैं फ्री पेज है कि नहीं, नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं यहां पर, थोड़ा सा रब कर लेता हूं मैं, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं आप लोगों का, क्या करूं भाई, देखो मैं यहां पर दिखाता हूं, जैसे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, ठीक उसी तरह से करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। मुझे बताओ कि सर पोटेंशियल का मतलब क्या है, आपने बताया तो नहीं, मान के चलो ना भाई, वोल्टेज,
हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। और इसी को ओम्स चाचा ने क्या किया था, इसी को ओम्स चाचा ने दे दिया था ये, ठीक है, इसी को ओम्स चाचा ने क्या दे दिया था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये वी क्या है, वी है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है वी, वी है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, वी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है हायर पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट की फ्लो भी उसी तरह से होगा, ठीक है। इसी को ओम्स लॉ ने क्या कहा था, इट स्टेट्स दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस एनी टू पॉइंट, अक्रॉस द एनी टू पॉइंट नहीं, अक्रॉस दैट पर्टिकुलर टू पॉइंट, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। आज के लिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आप लोगों का बहुत टाइम मैंने ले लिया, इसको फिर से अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना जान के रखो कि जैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रेवल करता था, ठीक उसी तरह से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट भी फ्लो करता है। इसी को न्यूटन सॉरी ओम्स चाचा ने क्या दिया था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी क्या है, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल और हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्ट जितना ज्यादा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा तेज से और उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी वहां पर, ठीक है। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस तो कुछ है नहीं, डेफिनेशंस से मैं उतना ज्यादा भरोसा भी रखता हूं नहीं हूं डेफिनेशन पे, मैं इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करता हूं, मैं उसी तरह से आप लोगों को भी समझा रहा हूं, ठीक है। चलो ये कैसे आया क्या है इसके ऊपर एक और क्लास हम लोग अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि इसका थोड़ा बहुत मतलब एक बेसिक सा देखेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, इसका फॉर्मूला वॉर्मूला ये सारा कुछ हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ओम्स लॉ तक यहाँ पर रखते हैं क्लास, क्योंकि मेरा और एक क्लास है तो मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता इस यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पर जब हम लोग क्या देखेंगे, इस ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, फिर से ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, जहां पर आप लोगों को बेसिक तो मैंने पढ़ा दिया ओम्स लॉ का क्या है, उसका न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत एनालिसिस देखेंगे एंड देन अगले टॉपिक पर जाएंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ये सारा कुछ जो है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, फिर अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे एंड देन धीरे धीरे एक एक पॉइंट पर जाएंगे, डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना कैसे कनेक्ट करते हैं, या पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पर, तब तक के लिए सायोनारा टाटा बाय बाय। एंड कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी कुछ पूछना हो, कुछ भी करना हो तो ये नंबर्स अवेलेबल है यहाँ पर, कभी भी किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास पर, टाटा बाय बाय।